भाई को बहुत उठाते हैं। खतरनाक। ओ भाई क्या कर अरे चुका यार इसको, भाई ओ काफी भाई नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हो चुका है। ये वो नीचे देख सकते आप हो इसी बिल्कुल भी गाइस, ये ना देखो के। आप लाइटिंग फाइटिंग सब इसकी तो बाहर आ चुकी है। ये देखो हेलो यार गाइस, कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे। और गाइस आज हम चलाने वाले इस बाइक को हवा के अंदर। हाँ जी गाइस, वैसे आपने तो बहुत सारी बाइकों को जमीन के ऊपर देखा होगा, रोडों के ऊपर देखा होगा चलते, लेकिन आज हम चलाने वाली इस बाइक को हवा के अंदर, वो कैसे पॉसिबल होगा तो देखते रहिए, वीडियो के अंदर बने रहिए। तो यार गाइस अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उतनी देर में हम करते हैं दोनों टायर बाइक के हटा देते हैं और फिर देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के अंदर। पर गाइस हमारी जो बाइक के दोनों टायर के अंदर जो टायर है गाइस वो निकल चुके हैं और अब रेडी है गाइस हवा में चलने के लिए। तो ले तो फाइनली गाइस काफी मेहनत के बाद में अपना जो सिस्टम है वो रेडी हो चुका है, यानी कि जो हम चलाने वाले हैं रस्सी के ऊपर बाइक, यानी कि हवा में बाइक चलाने वाले थे ना, तो वो ये है कि इधर देख सकते हो हमारे पास में है मोटी वाली रस्सी, इसके ऊपर हम बाइक चलाने वाले हैं। और ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो एक रस्सा दिख रहा है आपको गाइज, ये है सपोर्ट सिस्टम। और ये रहेगा हमारे पास में दो रस्सियां जो बाइक को आगे और पीछे से बांध दी जाएगी ताकि बाइक नीचे ना गिरे। और हमने पूरी सेफ्टी के साथ में हम ऊपर जाने वाले हैं। और तब तक के लिए यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक ठोक दो और हम चढ़ाने वाले हैं बाइक को रस्सी के ऊपर। तो लेट्स गो भाई। तो गाइज आप ऐसा बिल्कुल भी घर पे करने की कोशिश ना करें, घर पे रहेंगे कहीं भी नहीं करने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, इसमें कोई भी दुर्घटना घट सकती है हमारे साथ में, ऐसा आप ट्राई बिल्कुल भी ना करें। तो गाइज अब हम तीन लोग हैं और इस बाइक को तीन लोग ऊपर चढ़ाने वाले हैं। तो ये बाइक इसके ऊपर चढ़ने वाली है, बाइक चढ़ा दो इसके ऊपर। तो गाइस यार रस्सी काफी ऊंची रहेगी और हम रह गए तीन लोग, तो यार चढ़ाने में बहुत ज्यादा जोर आ रहा है यार। तो क्या तो यार गाइस जो अपनी बाइक है वो रस्सी के ऊपर नहीं चढ़ रही, क्यों नहीं? इसका मेन रीजन है गाइस ये जो हाइट है इसकी लगभग 4 फुट से ऊपर, 4.5 फुट के समथिंग है, तो बाइक को हम उठा नहीं पा रहे भाई। ये तो अभी बेइज्जती भी हो रही है वैसे अभी भाई सही है कि तो यार इसको थोड़ा नीचे करने के लिए चाहिए। तो हम बुलाने वाले हैं दो लोगों को, दो बच्चे को, और वो इसको रस्सी को नीचे करने वाले, इस रस्सी को नीचे करने वाले, और फिर हम इसके ऊपर आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो भाई दो लोग आ जाओ, आप में से ओनली दो ही लोग और बैठे रहो। तो भाई एक बंदा उधर से नीचे कर ले, ऐसे देख ऐसे ऐसे करके ये बैठ जाओ नीचे ना। आइए यहाँ एक यहाँ जाओ और पास में ऐसे पास में, हाँ नीचे बैठ जाओ बस ये। और भाई जैसे अपन ने किया था ना उस समय, तो वैसे काफी मेहनत के बाद में इस बाइक को रस्सी के ऊपर चढ़ा दिया है आप देख सकते हो। और आप इस बाइक को चलाने पड़ लिया रस्सी के ऊपर और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है बाइक चल पाएगी या नहीं, लेकिन करते हैं हम ट्राई। तो गाइस हम पहले स्टेप चेक कर रहे हैं कि बिना ड्राइवर के, यानी कि इसका ड्राइवर वैसे सीट के ऊपर बैठ के कोई नहीं रहेगा, वैसे चलाने वाले हैं कि चल पाएगी या नहीं, फिर इसके ऊपर बैठ के चलाने वाले हैं। तो करें भाई चलो भाई, जो बाइक है वो देख सकते हो धीरे धीरे चल रही है। वाह बहुत बढ़िया
भाई स्टीयरिंग सीधा रखो, स्टीयरिंग भाई ये तो भाई ये देख सकते हो जो ऊपर की साइड में जा रही है तो ये चढ़ाई है, लेकिन जा नहीं पा रही क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा आ चुकी है, वो ड्राइवर वो छोटे पड़ गए। अभी इसको बैग लेते हैं एक बार, वापिस पीछे लेके चलो भाई, पीछे ठेठ पीछे लेके चलेंगे। तो भाई ये देख सकते हो जो अभी हम पीछे लेके जा रहे हैं, और मैं बैठता हूँ इस बाइक के ऊपर और आराम से भाई पकड़ के रखना। और ये भाई भाई तो वैसे ऊपर बैठ चुका हूँ और वैसे काफी डर लग रहा है, गिर सकते हैं कभी भी भाई, हिलो मत हिलो मत, ये आराम से हम इसको चलाओ या इस रस्सी को पकड़ो, चला के देखो भाई चलती है क्या। पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लो। तो ये जंप करने वाले बाइक को स्टार्ट, ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है धीरे, और ये डाल चले भाई, छोड़ मत देना भाई, क्या बात चलो, आवाज आ रही है, चलो 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 चलो। तो भाई का वो बंद हो चुके है, फिर दूसरी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो चुकी है भाई, मुझे दिख नहीं रहा है भाई, तेरे को सीधा रखना। तो भाई तो यार गाइस काफी ऊपर आ चुकी है, वैसे चढ़ाई के अंदर है और बंद हो चुकी है, फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार। बंद बाइक को पीछे लेके चलते हैं भाई, पीछे से उतरना जाए नीचे, चलो 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 भाई, रोशन भाई बहुत ज्यादा हिम्मत कर रहे ले लो। भाई आगे नहीं जा रही बाइक, बिल्कुल भी आगे नहीं जा रही, इस पीछे वाला टायर है फरी काट रहा है, पीछे वाला टायर है फरी काट रहा है बिल्कुल। तो अपन 100 की स्पीड में बाइक को चढ़ाने की कोशिश करेंगे भाई, पकड़ के रखना। तो भाई भाई का जो रुक नहीं रही क्योंकि रेस है, एक जगह लग चुकी है। ओ भाई क्या बोले, कौन भाग्य मेरे
क्लच ओ भाई रुक नहीं रही थी ना। यहाँ पे क्यों डाली रेती में तो डाल कम से कम इसको भाई देखो चेन वगैरह सब उतर चुकी है क्या हुआ ओ भाई साहब यहाँ पे क्यों रुका वहां पे रुक देना इसको रेस रेस देखो गाइस यहाँ से जो खराब हो चुकी थी ये देखो ये रेस खराब हो चुकी थी रस्सी की वजह से हुई है खराब हो चुकी थी जो हमारी बाइक थी वो रस्सी से उतर गई और इसके ब्रेक भी फेल हो गए पता नहीं मुझे सब पता ही नहीं चला नहीं ब्रेक तो भाई बनाकर नहीं रखे था ये हाँ खाली वैसे ब्रेक इसके थे भी नहीं वैसे पहले और जो इसकी रेस थी वो पता नहीं क्या हुआ उस रेस के मुझे तो अभी भी पता नहीं है मुझे क्या हो रहा रुक नहीं रही यार कहीं भी गेयर भी नहीं लग रहा था गेयर भी नहीं लग रहा था डाउन देना था ना यार अरे डाउन लग ही नहीं रहा था दो नंबर में थी भाग रही थी बस दो नंबर में और हालत खराब हुई लास्ट में गाइस आपको पता है यहाँ से कंट्रोल से बाहर हो गई तो मैंने कूद गए के ऊपर से यार पीछे लगी यार काफी नुकसान हुआ है काफी नुकसान हो चुका है गाइस ये देखो आप लाइटिंग फाइटिंग सब इसकी तो बाहर आ चुकी है ये देखो भाई काफी नुकसान हो चुका है बाइक का और आप ऐसा बिल्कुल भी ट्राई ना करें क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है और मिलते हैं आपसे इसे भी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए गाइस बाय बाय।